हेलो एवरीवन माय नेम इज़ सैफल वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल तो बच्चों आज क्या हम ये जो चैप्टर है वो आपका पढ़ने वाले हैं जो कि लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का चैप्टर टेन ठीक है आपकी बुक का चैप्टर टेन है ये इसका नेम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट ठीक है आप सभी जानते हैं कि जो हमारे लिए स्पोर्ट्स हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं हमारी हेल्थी लाइफ पे हो या फिर हमारे रूल्स या रेगुलेशंस को समझने की चीज़ हो तो हमारे लिए स्पोर्ट्स जो हैं, बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है क्रिकेट सबसे पहले क्या आता है क्रिकेट क्योंकि ये बहुत आम हो चुका है और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला जाता है तो इसीलिए लिए और टी पर भी इसको ज़्यादा दिखाया जाता है तो इसीलिए आपके दिमाग में सबसे पहले क्रिकेट आता है तो चलिए इसके बारे में हम बहुत सारे फैक्ट को जानते हैं जो कि इससे पहले आपको नहीं पता थे ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बोल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड फाइव फाइव हंड्रेड ईयर्स से को अब पाँच सौ साल पहले इंग्लैंड में क्या था बहुत सारे स्टिक एंड बॉल के गेम खेले जाते थे ठीक है इससे ही जो क्रिकेट है वो ग्र यानी ग्र्यू uh, हुआ है यानी एक क्रिकेट निकला है द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब अब बैट का मीनिंग क्या होता है एक स्टिक उसका मतलब क्या होता है स्टिक और क्लब बैट का मीनिंग क्या होता है एक सीधा सीधी सी स्टिक बाय द सेवनटीन्थ सेंचुरी क्रिकेट हैड इवोल्व्ड इनफ टू बी रिकोगनाइजेबल एज अ डिस्टिंग गेम अब जब सेवनटीन्थ सेंचुरी आई ठीक है तो तब क्या हुआ क्रिकेट एक अलग गेम बन चुका था सबसे अलग गेम बन चुका था क्रिकेट ठीक है टिल द मिडल ऑफ एटीन सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम अब क्या था 18th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ 17th सेंचुरी में तो एक अलग गेम बन गया क्रिकेट एटीन सेंचुरी में क्या हुआ कि एटीन सेंचुरी के बीच में जो बैट होता था हमारा ये जो बैट होता था आपका ये बैट जो होता था आपका वो क्या था कर्व शेप का होता जैसे जैसे हॉकी का होता है इस तरह से कर्व शेप का होता था पहले अब ऐसा क्यों होता था देर वॉज अ सिंपली रीजन फॉर दिस इसका एक रीजन होता था कि इस तरह का होता था द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर आर्म्स अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट अब जो हमारे जो बैट्समैन होते थे पहले उनको कॉन्टैक्ट बनाने में आसानी होती थी ठीक है उनको क्या था कॉन्टैक्ट बनाने में बॉल से आसानी होती थी और ईजीली वो बॉल को मार पाते थे वंस ऑफ द वंस ऑफ द पिक्युलरिटीज़ ऑफ क्रिकेट इज़ दैट द टेस्ट मैच कैन गो ऑन फोर फाइव डेज एंड स्टिल एंड इन ड्रॉ अब क्या था कि एक पैक्यूलैरिटीज़ यानी सबसे अजीब बात क्या है क्रिकेट में सबसे अलग बात यह है कि अगर टेस्ट मैच टेस्ट मैच होता है ना क्रिकेट में तो टेस्ट मैच अगर फाइव डेज तक भी चलते रहें तो वो फाइव डेज में मतलब आखिरी डे में वो ड्रॉ भी हो सकता है यानी कोई ना जीतेगा ना हारेगा ठीक है कोई जीतेगा ही नहीं ड्रॉ हो जाता था तो ये एक अलग बात है क्रिकेट की तो ये रहा आपका पहले वाला जो होता था, था बैट ठीक है In, uh, in a draw no other modern team sports takes even half as much time to complete Ab jo a football match is generally over in a half hour and a half even baseball competes nine innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket अब जो इसमें यह बता रहे हैं कि जो बाकी प्ले uh, होते हैं बाकी जो खेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम टाइम के होते हैं एज कंपेयर टू क्रिकेट क्रिकेट बहुत टाइम लेता है ठीक है अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज़ दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड्स, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट अब उसमें कह रहे थे तो जो जो पिच होती है ना ये आप देख रहे होंगे जो ये यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल क्रिकेट में आ, सेम ही होता है ठीक है ट्वेंटी टू यार्ड्स लेकिन जो इसका ग्राउंड होता है बाकी वो बड़ा बड़ा या छोटा कितना भी हो सकता है ठीक है ये भी एक अलग बात है क्योंकि बाकी गेमों में क्या होता है ग्राउंड भी स्पेसिफाइड होता है मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सा चेस हॉकी एंड फ़ुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया तो जो हमारे हॉकी फ़ुटबॉल इनके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं खेलने के लिए लेकिन जो हमारा क्रिकेट होता है उसका जो यार्ड है ट्वेंटी टू यार्ड ही रहता है ठीक है ग्राउंड कैन बी ओवर लाइक द एडलेट ओवल और नीरली सर्कुलर लाइक चेपोक इन चेन्नई अब ग्राउंड्स जो होता है वो ओवल ओवल शेप के भी हो सकते हैं यानी अंडे शेप के भी हो सकते हैं जैसे कि लाइक जैसे कि हमारा है एडलेड ओवल नियरली सर्कुलर लाइक like चेपोक इन चेन्नई चेन्नई में, में जो है ना चेपोक की चेपोक जो है वो ओवल शेप का है एडलेड ओवल है अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोलकाता कोटला इन दिल्ली अब जो फिरोज शाह कोटला है वो दिल्ली में है जो ये ग्राउंड है वो छोटा है एज़ कंपेयर टू मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड तो ये मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड बड़ा है काफ़ी देर सा हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दिज ऑडिटीज बिहाइंड बोथ दिस ऑडिटीज़ क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी क्वाडिफाइड अब क्रिकेट क्या है बच्चों एक ऐसा गेम है जिस पे जिसमें क्या है रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं इसमें ठीक है क्रिकेट क्या है क्रिकेट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फर्स्ट पहली बार खेलों के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए द फर्स्ट रिटर्न लॉज ऑफ़ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744 तो so 1744 में एक बुक लिखी गई जिसका नाम था लॉज ऑफ़ क्रिकेट ठीक है दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्राम अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स हुटली डिसाइड ओल्ड डिस्प्यूट अब बच्चों क्या होता है जो क्रिकेटर्स खेलते हैं बैट्समैन जो खेलते हैं जो जो भी खेलने वाले होते हैं क्रिकेट को तो वो खेलते हैं आपस में लेकिन जब उनके बीच झगड़ा होता है तो कौन खड़ा होता है वहाँ पर दो एम्पायर खड़े होते हैं जो कि पूरे खेल को देख रहे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं इनकी डिस्प्यूट्स को कि कौन जीता और कौन नहीं और क्या हुआ ठीक है तो ये भी रूस में लिखा है कि दो अम्पायर्स खड़े रहेंगे द स्टम्प्स इस्टम्प्स मस्ट बी ट्वेंटी टू इंचज हाई एंड द बेल अक्रॉस दैम सिक्स इंचिस अब जब वो डंडे रहते हैं ना इस तरह से तीन तो वो उनका साइज़ क्या होता है ट्वेंटी टू इंचज़ इस तरह के और जो उसके ऊपर होती हैं बेल उसका होता है सिक्स इंचज द बोल मस्ट बी मस्ट मस्ट बी बिटवीन फाइव एंड सिक्स आउसेस और जो बोल होती है हमारी जो बोल होती है उसका जो वजन होता है वो क्या होता है फाइव एंड सिक्स आउंस ये वेट होता है इसका एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प ट्वेंटी टू यार्ड्स ट्वेंटी टू यार्ड्स अपार्ट अब जो हमारे जो ये स्टम्प्स होते हैं इनका जो इनका जो डिस्टेंस होता है वो भी ट्वेंटी टू यार्ड्स होता है जो हमने पहले भी पढ़ा है द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हेम्बलडन इन द सेवनटीन सिक्सटीज एंड द एंड द मैरिल बोन क्रिकेट क्लब एम सी सी वॉज फाउंडेड इन सेवेंटीन एटी सेवन अब इस पर बताया गया है जो हमारे क्रिकेट क्लब हैं वो कब फाउंड यानी कब बने तो हमारा सेवनटीन सिक्सटी में हेम्बलडन हैम्बलडन में क्रिकेट क्लब बना एंड द मैरी मैरबोन में मैरिल बोन क्रिकेट क्लब बना सेवनटीन एटी सेवन में ठीक है ये दो आपके बने ड्यूरिंग द सेवनटीन सिक्सटीज़ अब सेवनटीन सिक्सटीज़ के बीच में ही एंड द सेवनटीन सेवनटीज़ इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर दैन रोल इट अलोंग द ग्राउंड अब देखो क्या होता था पहले जब इस तरह का बैट होता था तो बॉल भी नीचे से ही फेंकी जाती थी बॉल को नीचे से ही फेंका जाता था आप अपने हाथ को बोल लीजिए और नीचे से फेंकीिए तो ज़्यादा आप उसको तेज़ नहीं मार पाएंगे और बैट भी बैट्समैन जो होते हैं वो भी ज़्यादा तरीके से नहीं मार सकते सिर्फ एक तरीके से ही बॉल को मार सकते हैं है ना और इसमें कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं मिल पाता है ठीक है ज़्यादा चांसेस भी नहीं अलग अलग तरह से नहीं मारने को मिलता है तो इसीलिए क्या हुआ सेवनटीन सिक्सटीज और सेवनटीन सेवेंटीज़ के बीच में बॉल को हवा बॉल को ऊपर की तरफ से मारने मारे जाने लगे जैसे आप खेलते हैं ठीक है थीके? और ये चेंज था क्रिकेट में दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ अब बहुत सारे ऑप्शंस जो बॉलर को फेंकने के लिए मिल गए थे कि वो किसी तरीके से भी बॉल को फेंक सकता है और इसी तरीके से जो हमारा बैटमैन है उसको तैयार रहना पड़ता है कि बॉल किस तरह से आ जाए पता नहीं डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज स्पेस इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग यानी उसके स्पिन एंड स्विंग का बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई न्यू न्यू तरीके ओपन हो गए ठीक है इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉर्ट सिलेक्शन अब इतने ही टाइम में जो बैट्समैन को डिसाइड करना होता है वो किस तरह से शॉर्ट मारेगा ऑन इमीडिएट रिज़ल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वॉज और एक और चेंज आया कि जो हमारे कर्व बैट थे वो भी सीधे हो गए थे इसमें ठीक है एक और चेंज आया था देट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन फाइव टू फाइव आउंसेस एक सेकेंड फाइव वन बाई टू और फाइव थ्री बाई फोर इधर ये आएगा तो ये ये बॉल का वजन होता था एंड द वथ्थ ऑफ द बैट टू फोर इंचजो विड़थ होती थी यानि बॉड बैट का जो ये होता है ना वो क्या होता था फोर इंचज का होता था इन 1744 फोर्टी फोर द फर्स्ट लेग बिफोर लो यानी ये एल बी डब्ल्यू आउट लो तो आपको पता ही कब आया था सेवनटीन फोटी फ़ोर में पब्लिश हुआ था ओसो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन अब जी डंडे आप देखते हैं ना ये तीन कब आए तीन कब आए ये सेवनटीन 1774 सेवनटीन सेवेंटी फोर में ओलसो अराउंड दिस टाइम सेवनटीन में ही पहले ही दो ही डंडे होते थे अब ये तीसरा 1774 में आया ठीक है स्टम्प इसको बोलते हैं बाई सेवेंटी सेवनटीन एट्टी थ्री डेज हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच अब किसी भी मैच की जो क्रिकेट की मैच की जो टाइम होता था लेंथ होती थी वो कितने दिन की होती थी तीन दिन की तीन दिन का मैच होता था एंड दिस ईयर ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट सिक्स टीम क्रिकेट बॉल और इसी दौर में क्या हुआ जो आ, बोल है उसमें जो सिक्स सीम की बॉल आने लगी इस तरह के निशान होते हैं ना सिक्स सीम की बॉल आने लगी आप देख सकते हैं यह है स्टंप जो आप तीन आने लगे पहले दो ही होते थे और और आप देखिए इस तरह की बॉल आने लगी ठीक है सिक्स सेम की ठीक है तो ये रहा आपका एम क्लब ठीक है जो कि एट्टीन सेवेंटी फोर में बनाया गया ठीक है इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट अब हम अगर गेम्स के इक्विपमेंट्स यानी चीज़ें देखें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जैसे क्रिकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं बहुत सारे सामान हैं जो क्रिकेट में अब यूज़ होने लगे और पहले क्या था बस लकड़ी ली बॉल ली और खेलना चालू कर दिया लेकिन अब देखिए आप लोग कितनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं हेलमेट और हम हमारे पास ग्लव्स होते हैं कितनी सारी चीज़ें होती हैं यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विद चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिनल औरिजन्स इन रूरल इंग्लैंड अब क्या है बहुत सारे चेंज तो आए क्रिकेट में लेकिन जो उसका फंडामेंटली फंडामेंटल है ना जो चीज़ फंडामेंटली है उसके अंदर वो नहीं बदली क्या क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉटेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल जो क्रिकेट के मोस्टली टूल्स हैं न इम्पॉर्टेंट टूल्स जो हैं जो बैट हो गया बॉल हो गया वो बैट जो है आपका वो नेचुरल ही नेचुरल ही बनाया जाता है मतलब नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है और इंडस्ट मतलब अपने हाथों से बनाया जाता है ठीक है द बैट इज़ द बैट इज़ मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कोक तो इससे हमारा बैट बनता है लेदर से ट्वाइन से एंड कोक से इवन टुडे बोथ बैट ओल बॉल आर हैंडमेड आजकल के आजकल के वक्त में भी जो बॉल और बैट है हमारा वो हैंडमेड होता है यानी हाथों से बनाए जाते हैं आप सोचिए है, कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ये अभी तक नहीं बदला है क्रिकेट क्रिकेट की चीज़ें जो है वो हाथों से ही बनाई जाती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेफ्टी के लिए वो टेक्नोलॉजी से ही बनाई जाती है नॉट इंडस्ट्रियली मैनुफेक्चर ये चीज़ें जो हैं हमारा जो बैट है बॉल है ये मैन्यूफैक्चर नहीं होता इंडस्ट्री में द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम Uh, समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंज, चे, चेंजेस आए वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड पहले क्या था एक ही लकड़ी से इसको बनाया दिया जाता था बैट को लेकिन अब क्या करा जाता है नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस अब टू पीसेस से बनाए जाते हैं लकड़ी के द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द बिलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ कैन अब जो इसका हैंडल होता है वो कैन ट्री से बनाया जाता है और इसका जो ब्लेड होता है वो बनाया जाता है हमारा विलो ट्री से तो ये दोनों अलग अलग तरह से बनाया जाता है और पहले एक ही लकड़ी से बना दिए जाते थे केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कनोलियलिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज इस्टाब्लिश डेमसेल्व इन एशिया एशिया में ख़ुद से ही इन लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज़ ने ख़ुद ही इवॉल्व किया था लाइक गोल्फ एंड टेनिस क्रिकेट हैज़ यानी इसमें बताया जा रहा है जो टेनिस और क्रिकेट होते हैं ये टेनिस क्रिकेट तो ये क्या करते हैं अपने टूस जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल से ही बनते हैं जो टेनिस और क्रिकेट होता है हमारा ये मैन मेड मतलब हा मैन मेड से ही इनको बनाता है ठीक है जैसे कि हाथों से ही इसका बैट बनाया जाता है बॉल इसकी जो है नेचुरल चीज़ों से ही बनाई जाती है ठीक है रिफ्यूज टू रिमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल प्लास्टिक फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड तो जो हमारा टेनिस क्रिकेट है ये क्या करता है प्लास्टिक फाइबर ग्लास एंड मेटल ये इन सबको रिजेक्ट करता है और जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं उनको यूज़ करके बनता है बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लेकिन बात करें हम अपने बचाव के सामान की जैसे क्रिकेट में यूज़ होता है हेलमेट वगैरह तो क्रिकेट हैज़ बीन इंफ्लुएंस बाई टेक्नोलॉजिकल चेंज तो क्रिकेट भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल चेंज से इन्फ्लुएंस हुआ है कैसे द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्कनाइज रबर लेट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ़ पैड्स इन 1848 1848 में हमारे जो पैड्स के इंट्रोडक्शन हुआ और वेलकनाइज रबर बनी ठीक है और एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स बने सून आफ्टर वार्ड्स इसके ही एकदम बाद हमारे क्या बने प्रोटेक्टिव ग्लव्स बने एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हैलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स तो जो हमारे हेलमेट्स uh, होते हैं क्रिकेट में जो यूज़ होते हैं बहुत हल्के मटेरियल से ही बनाए जाते हैं तो आज इनके बिना हम जो uh, गेम है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते तो ठीक है बच्चों द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंडड बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोज द पार्स इज ब्रॉड इन टू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टरनाइज द पार्स इज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब द ओरिएटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन नाइनटीन एटीन फोर्टी एट ये थोड़ा आगे वाला मैंने पढ़ लिया अभी आप लोगों को दिखाऊंगी तो इसमें यह बताया गया है बच्चों के हमारा जो इंडिया में क्रिकेट किस तरह से इवॉल्व हुआ तो ये हुआ बॉम्बे में सबसे पहले बॉम्बे में हुआ फ़र्स्ट इंडियन जो कम्युनिटी इंडिया की जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थी तो उनका नाम था पारसीज़ उनको पारसीज कहा जाता था जिनको जोरोस्ट्रियंस भी कहा जाता था ये एक स्मॉल सी कम्युनिटी थी इंडिया की जिसने स्टार्ट किया क्रिकेट को इंडिया में ये इन्होंने क्या किया ब्रॉड इन डू क्लोज कॉन्टैक्ट इनका जो बहुत क्लोज़ कॉन्टैक्ट था किससे ब्रिटिश लोगों से क्योंकि ट्रेड वगैरह में ये भी इंटरेस्टेड थे उस टाइम पे ब्रिटिश लोग हम पर रूल कर रहे थे तो इनका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा था ब्रिटिश लोगों से लोगों से और यही सबसे पहले वेस्टर्नाइज हुए थे यानी जो ब्रिटिश लोगों के जो भी पहनावा है या खान पान है या कुछ भी है तो उनको अपने अंदर लाए ये लोग सबसे पहले तो ये लोग सबसे पहले वेस्टर्नाइज़ हुए अब पारसीज ने ही इंडिया में सबसे पहले क्लब बनाया क्रिकेट क्लब जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब ठीक है ओ सी सी ओ सी सी जो कि बॉम्बे में था और इन्होंने बनाया 1848 में ठीक है पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वादिया अब जो वादियास और टाटास थे तो ये भी पारसीज ही थे जो कि एक बिजनेसमैन थे तो ये लोग क्या करते थे ये लोग पैसा देते थे इस क्लब को ठीक है चलाने के लिए द वाइट क्रिकेट अलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथोसियास्टिक दार्सीज इनफैक्ट देयर वॉज अ क्वरल बिटवीन द बॉम्बे जिम खाना अ वाइट ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क अब क्या था के जो वाइट यानी यहाँ पर बात हो रही ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी पारसीज़ के जो क्लब को चलाने के लिए जो क्रिकेट का क्लब खोला था पारसीज़ ने उनको चलाने के लिए बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी बल्कि सिर्फ क्या किया था बल्कि वो भी क्रिकेट को पसंद करते थे लेकिन फिर भी उन्होंने कोई हेल्प नहीं की थी इनफैक्ट क्या हुआ जो ब्रिटिश लोग थे और पारसीज़ के बीच में लड़ाई भी हो गई थी किस चीज़ के ऊपर जो बॉम्बे जिमखाना था उसके अंदर क्या था कि वाइट क्या खेलते थे वाइट्स जो वाइट थे वो लोग वहाँ पर एक गेम खेलते थे और पारसीज जो थे उसको कहते थे कि पब्लिक पार्क है सब यहाँ पर सब इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन द पार्सिस कंप्लेन पार्सिस की ये कम्प्लेंट थी कि दैट तो द पार्क वॉज लेफ़्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीस ऑफ तो द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस अब क्या था जो ये ब्रिटिश लोग थे वो बॉम्बे जिम खाना पार्क में क्या करते थे पोलो पोनीज खेलते थे इससे क्या हो जाता था गड्ढे हो जाते थे वहाँ पे इसकी वजह से पारसीज जो थे वो क्रिकेट नहीं खेल पाते थे अपना वहाँ उन्हें तो दिक्कत होगी ना तो इसीलिए उनके बीच में लड़ाई हुई वेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज़ व प्रीजूड डाइज इन फेवर ऑफ देयर वाइट कम्पैट्रिएट्स कॉम्पैट्रियट्स द पारिस बिल्ड देयर ओन जिम खाना टू प्ले क्रिकेट इन अब क्या हुआ इन लोगों ने शिकायत भी की पारसीज लोगों ने पारसीज़ ने शिकायत भी की बड़े बड़े लोगों से लेकिन उस टाइम पे क्या था जो अथॉरिटीज़ थी कॉलोनियल अथॉरिटीज थी यानी ब्रिटिश का ही रूल चला था इसीलिए उन्होंने अपने लोगों का ही साथ दिया तो पारसीज ने क्या अपना एक जिम खाना खुद ही खोला क्रिकेट खेलने के लिए ठीक है The राइवलरी बिटवीन the पारसी एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड्पी एंडिंग फॉर दीज फाइनल ईयर्स ऑफ अब जो ये लड़ाई थी ना ये इसने क्या किया एक हैप्पी एंडिंग दी पारसीज़ को हमारे जो क्रिकेट था इंडिया में इवॉल्व हुआ इन्हीं की वजह से और इनकी लड़ाई की वजह से ही जो पारसीज का पारसीज ने जिम खाना खोला था और इनकी लड़ाई की वजह से ही क्या हुआ एक हैप्पी एंडिंग हुई कैसे हुई अपारसी टीम ही अपारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना खाना एट क्रिकेट इन 1889. अब पारसीज़ के बीच में और जो ब्रिटिश लोगों के बीच में एक बॉम्बे जिमखाना के बीच में क्या हुआ एक मैच हुआ जो कि पारसी उसमें जीत गए थे 1889 में जस्ट फॉर ईयर्स आफ्टर आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885. यानी 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन हुआ था उसके चार साल बाद ये जो पारसी थे वो जीते अब क्यों क्या फ़ायदा है इनके के मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके बाद ये जीते तो क्या फ़ायदा है पारसी इसको ये फ़ायदा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंग इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्स मैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नारो जी अब बहुत फेमस ये हैं ये पर्सनैलिटी हैं दादा भाई नारो जी और ये भी क्या है एक पारसी थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में लीडर थे बहुत बड़े ठीक है मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाय टेस्ट्स एंड वन डे इंटरनेशनल्स आजकल क्या है जो क्रिकेट खेला जाता है वो टेस्ट मैच होते हैं या वन डे इंटरनेशनल होते हैं और कि, ये किसके बीच खेले जाते हैं नेशनल टीम के बीच खेले जाते हैं द प्लेयर्स हु बिकम फेमस अब जो प्लेयर्स फेमस हो जाते हैं हु फाई लिव हु लिव ऑन इन द मेमोरीज जो मेमोरीज में हमारी रह जाते हैं ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री वो कौन होता है जो हमारे दिमाग में छप जाते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं वो लोग होते हैं वो जो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं ठीक है आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसे आप किन किन क्रिकेटर्स को जानते हैं क्योंकि वो भी हमारे इंडिया के लिए खेल रहे हैं द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट अब ज़्यादातर जो इंडिया में याद रखे जाते हैं ना Uh, क्रिकेटर्स जो जो कि खेलते हैं वो उन लोगों को याद रखा जाता है जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं अब सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले कौन थे सी के नायडू ठीक है एंड आओ आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिस टाइम उस टाइम के ये बहुत ही बढ़िया जो थे बैट्समैन थे लाइफ्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन वैन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटम्प्रेरीज लाइक पलवा पलवनकर विथल एंड पलवनकर बालू ये भी बैट्समैन थे लेकिन इनको ज़्यादा नहीं याद रखा जाता बिकॉज ये टेस्ट मैच नहीं खेलते थे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते थे और इनको सी के नायडो को याद रखा गया हैव बीन फॉर इनको हम भूल गए इवन दो नायडो वॉज पास्ट हेज क्रिकेटिंग प्राइम वैन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन नाइनटीन थर्टी टू अब नाइनटीन थर्टी टू में जो इंग्लैंड में जो स्टार्ट हुआ टेस्ट मैच फर्स्ट क्या था फर्स्ट इंडिया के साथ हुआ जो कि नायडू ने ही खेला था वो ठीक है हिस प्लेस इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्रीज़ शोर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज़ फर्स्ट टीम टेस्ट कैप्टन ये टेस्ट कैप्टन फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे सी के नायडू जो थे वो टेस्ट कैप्टन थे क्योंकि इन्होंने ही पहली बार खेला इसको और पहले कैप्टन बने इंडिया एंटर द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932 और इंडिया 1932 में ही टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में के वर्ल्ड में जो था एंटर्ड हो चुका था अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन यानी हमने खेलना कब से स्टार्ट कर दिया था टेस्ट क्रिकेट आज़ाद uh, होने से दस साल पहले आज़ादी के दस साल पहले दिस वॉज़ पॉसिबल बिकॉज ये क्यों पॉसिबल हो, हो पाया बिकॉज़ टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 सेवनटी सेवन वॉज ऑर्गेनाइज एज अ कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नॉट सॉवरन नेशंस द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया वेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट स्टिल सेटलर कॉलोनी सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन गैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम व ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब इसमें यही कहा जा रहा है कि जो क्यों पॉसिबल हो पाया इंडिया में दस साल पहले से आज़ादी के खेल पाना टेस्ट मैच बिकॉज़ इंडिया जो था वो ब्रिटिश का ब्रिटिश कॉलोनी थी यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में था इंडिया और ब्रिटिश इंग्लैंड वगैरह में बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था ब्रिटिश एम्पायर के जो ज़माने में थे 1877 में ही टेस्ट क्रिकेट इवॉल्व हो चुका था तो जाहिर सी बात है जो कॉलोनी होंगी ब्रिटिश की वहाँ भी टेस्ट क्रिकेट ज़रूर खेला जाएगा लेकिन जो सोवरेन नेशन थे जो कि आज़ाद थे बिल्कुल ब्रिटिश लोगों से वहाँ पर नहीं खेला गया था टेस्ट क्रिकेट जैसे ये ऑस्ट्रेलिया भी क्या था ब्रिटिश कॉलोनी था तो यहाँ पर भी टेस्ट क्रिकेट खेला गया ठीक है तो यहाँ पर ये कहा गया है अब टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट इट इट एक्सपेंडिड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इन टू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस अब यहाँ पर ये लिखा है कि टेलीविज़न कवरेज की वजह से क्रिकेट में जो है ना बहुत सारे चेंजेस आए ये एक्सपेंड हो गया ऑडियंस के बीच में और छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस में भी हर जगह फैल गया क्रिकेट वो किस तरह से फैला क्रिकेट आज बच्चा बच्चा जानता है हर कोई जानता है बूढ़ा बच्चा हर कोई जानता है हर, हर जगह क्रिकेट के बारे में पूछ लो Uh, हर कोई जानता है क्रिकेट गेम के बारे में वो क्यों क्योंकि टेलीविजन की वजह से टीवी पर इसको दिखाया जाता है इट ऑल्सो ब्रोडेंड क्रिकेट सोशल बेस ये सोशल बेस uh, बन गया क्रिकेट चिल्ड्रेन हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज कड नाउ वॉच एंड लर्न बाई इमिटिएटिंग देयर हीरोज अब जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं जो टीवी वी पर इंटर, इंटरनेशनल गेम जो दिखाए जो इंटरनेशनल गेम्स को क्रिकेट दिखाए जाते हैं उससे बच्चे उन उनकी नकल करते हैं अपने मनपसंदीदा हीरोज़ की जो कि क्रिकेट खेलते हैं उनकी नक़ल करते हैं तो कितना अब बहुत ज़्यादा ये फैलता जा रहा है क्रिकेट जो है द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टी नेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट अब जो टेक्नोलॉजी सैटेलाइट टेलीविज़न्स हैं और जो वर्ल्ड वाइड रीच है मल्टीनेशनल टेलीविज़न यानी जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं इसको ग्लोबल मार्केट एक तरह से क्रिकेट बन गई है ग्लोबल मार्केट यानी हर तरफ जो है इसकी रीच बढ़ चुकी है किसकी वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से टीवी टीवी रेडियो ये सब ईजाद होने की वजह से ये हर तरफ पहुंच पा रहा है क्रिकेट मैच इन सिडनी कुड नाउ बी वो लिव इन सूरत अगर सिडनी में कोई मैच हो रहा है तो वो हम कहाँ सूरत में भी देख सकते हैं सेंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप फॉर द गेम अमंग द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया अब देखो क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना और यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा देखने वाले लोग हैं क्रिकेट को ठीक है सबसे ज़्यादा जहाँ जो देश है जहाँ क्रिकेट देखा जाता है वो है इंडिया हमारा और यहीं पर जो यहाँ पर बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं तो इसी वजह से जो इंग्लैंड में तो स्टार्ट हुई लेकिन शिफ्ट होता जा रहा है साउथ एशिया में ये ये ग्रेविटीज़ की शिफ्ट होती जा रही है साउथ एशिया में यानी हमारे एशिया की तरफ दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आई सी सी हेड क्वार्टर्स फ्रॉम लंडन टू तो टैक्स फ्री दुबई अब जो हमारे Uh, ये लंदन से जो ये लंदन से जो हेड क्वार्टर है आई का तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया दुबई में शिफ्ट हो गया इससे ये पता चलता है कि अब एशिया में लोग ज़्यादा देख रहे हैं तो भाई यहाँ व्यूवरशिप भी है लोग हैं ज़्यादा देखने वाले खेलने वाले वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स अगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द पारसीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन अब जो हमारे हमने पढ़ा कि पारसीज नहीं कितना स्ट्रगल किया लड़ाइयाँ हुई बीच में ब्रिटिश के और उन्होंने क्या किया क्लब बनाए और उनको जगह भी नहीं मिल पा रही थी खेलने के लिए लेकिन आज देखो टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स आज इंडियन प्लेयर्स के लिए जो है ना ग्लोबल मार्केट प्लेस है पूरी ठीक है एंड द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम और बहुत जो फेमस फेमस क्रिकेटर्स है वो इंडिया के ही है मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ स्टेज और आदमी के लिए जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा स्टेज बन चुका है दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमेंटली मैंटली एम्यूटर बाय द पेड प्रोफेशनल अब क्या हो गया है कि किस किस वजह से ये इतने छोटे छोटे चेंजेस की वजह से जैसे कि अब क्या किया गया है जो बहुत प्रोफेशनल्स हैं क्रिकेट में उनको रखा जा रहा है ठीक है और जो द ट्राइफ ऑफ द वन डे गेम अब वन डे गेम होने लगे हैं इंटरनेशनल गेम वन डे गेम होने लगे हैं एज इट ओवर शेडोल टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी और टेस्ट क्रिकेट मैच ये सब पॉपुलर हो चुके हैं एंड द रिमार्केबल चेंजेस ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी तो ये थे हमारे क्रिकेट में चेंजेस जो आ रहे थे ये चैप्टर लिखने वाले हमारे कौन है रामचंद्र गोहा ये एक, एक अडेप्टेड लिया गया चैप्टर सेवन से जो क्या हमारा क्लास नाइन्थ का क्ला, हिस्ट्री में पूरा चैप्टर दिया गया है आपका इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बुक में आपका पूरा हिस्ट्री का चैप्टर है ये यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा आपकी बुक में दिया गया था तो बच्चों ये था आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए Bye bye and take care.